सो गाइज यहाँ पे बेड के बाद मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा बाथ टब। वाओ, मुझे चेहरे फिर से खुशी आई थोड़ी बहुत। दर्द भी रोने लगे थे, दर्द भी रोने। मेरे को ना और रवि रुकना नहीं है, 2 दिन हमारा प्लान था यहाँ रुकने का। अब निकलेंगे घर की तरफ कल ही सुबह। सीरियसली बताती हूँ, अगर फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं होता ना तो मेरी जान निकल जाती। निकल गए हॉस्पिटल से। अब मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक है, मेरी जान की थोड़ा फर्क है। तो गए भी डॉक्टर आए थे, बात किया और वहाँ से घर से सारे रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को, इसीलिए हाँ फिर करवा चौथ आपको करना ही नहीं चाहिए था। करवा चौथ कर लो या फिर दवाई खा लो, दवाई स्किप नहीं करनी चाहिए थी ना। तो क्या इसमें इंजेक्शन ले लिया, वो एक इंजेक्शन लगेगा, सच से फर्क पड़ जाएगा गुरमीत को। फिर इसके बाद फिर कल तो है ही, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक हो रहा है। इंजेक्शन लगेंगे मेरी जान को, दोनों परेशान कर रहे हैं, मम्मा को खुशी रखते तो क्या कर रहे हैं। मेरी जान को लगा इंजेक्शन, कुछ फर्क पड़ जाए, मिल जाए मुझे। हाँ थोड़ा फर्क पड़ जाए ना, तकिया दूँ ऐसे लेटे अजीब लग रहे हैं ना। डॉक्टर मैम ने और उन्होंने बोला भी थोड़ा आराम करने दो, फिर फर्क पड़ जाए तो फिर लेके चले जाना। 2 टेस्ट भी लिखा है, वो तो करना सर मुश्किल होगा। दर्द भी रोने लगे, देखो दर्द भी रोने। नहीं नहीं सोचा क्या था और क्या हो गया, देखो पता है इसीलिए लग रहा है, लग गई हमें इसीलिए बाहर इतनी साफ ही नहीं थे और आए हैं तो देखो ये हाल होते हॉस्पिटल में। तो सोचा क्या था, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा इनको खुश करने की थोड़ा बहुत। तो अब जाते हैं होटल में, सब कुछ रेडी होगा और हम यहाँ आए होटल ही हॉस्पिटल में, एज फॉर होटल एट फॉर हॉस्पिटल। मेरी जानती है बेचारे, ये तो भी रो रहा था बेचारा। अच्छा ऐसे परेशान है, रोते भी परेशान करती मम्मी को। मुझे कार्ड खा रहा है पीछे से। कौन कार्ड खा रहा है? मैं सच में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाहर आ गया और ऐसे परेशान होना बहुत मुश्किल है। चलो लेफ्ट 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 इधर इधर। सो गाइस हम लोग निकल रहे अभी यहाँ से, ठीक है चलते हैं होटल की तरफ। चले चलो, मुझे भी कुछ लग नहीं रहा जान। लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप दवाई छोड़िए आपने शायद उसका उसका वो है। ठीक है, वो निकल गए हॉस्पिटल से। अब मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक है, मेरी जान की थोड़ा फर्क है, तभी हम लोग निकले वहाँ से। अब जाते हैं होटल, देखते क्या क्या हो रखा है वहाँ पे, सब कुछ स्पॉइल हो गया सब कुछ। हाँ क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो, क्या हो मेरा मन कर रहा है घर जाने का। आप कल घर की तरफ निकलेंगे, प्लान 2 दिन का था, 2 दिन का प्लान था हमारा। और होटल वालों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि 2 दिन की पेमेंट हमने ऑलरेडी कर चुकी है। कुछ नहीं हो, देखते हैं फिर, तबियत ठीक नहीं है तो यहाँ रुके भी कोई फायदा नहीं है। चलो ग्रीन लाइट भी निकलते हैं। फाइनली अपने घर को पहुँचने वाले हैं, घर को मतलब होटल। देखो मच्छर आया लग रहा है गाड़ी के अंदर, खून पी जा रहा दबा के, नींद आ रही गाइस बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन अभी होटल वालों का फोन आया कि मैम आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैंने आपके लिए किया था। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं खुद सरप्राइज हो गई यहाँ आके, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर देखते हैं गाइस, मैं सीरियसली बताती हूँ, अगर फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं होता ना तो मेरी जान निकल जाती। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे इतना पेन हो रहा था। अब बस मेरे को ना और अभी रुकना नहीं है, 2 दिन हमारा प्लान था यहाँ रुकने का। अब निकलेंगे घर की तरफ कल ही सुबह, नाश्ता वास्ता करके। हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी दूर आओ पराए देश आके, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पराए देश नहीं है। अरे कुछ भी है ये तो, तुम कुछ भी अपने घर से तो दूर है ना, सब कुछ वहाँ वही देश नहीं, देश मतलब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये हो गया। तो अब कल निकलेंगे। ये था कि हॉस्पिटल के थोड़ा वो था, वैसे तो हमारा जो होटल है वहाँ से लेके हॉस्पिटल बहुत दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 20-25 किलोमीटर ज्यादा ही है, 50 तो वहीं से दिखा रहा था। 50 नहीं तो 22
22-23 किलोमीटर दूर सोचो, और अभी 11:37 हो रहे हैं, मतलब 12 ही बज चुके हैं एक तरह से, देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस फिर हो, बेचारों ने केक वेक सब रख रखा है हमारे लिए, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो गई। नाइट व्यू इतना खूबसूरत हो रहा है बहुत ज्यादा, और मैं खुद इतनी चमक रही हूँ अपने ट्रैक सूट की वजह से। ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। गाइस बहुत खूबसूरत लग रहा है, और दर्शक उठ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, वो रात के बच्चों के 12। बहुत बेटर फील कर रही हूँ गाइस, अगर मैं दवाई नहीं लेती तो मैं मर जाती ऐसे लग रहा है। हाँ चलो, ये देखो नशेड़ी, हाँ हाँ ये नींदों में हो रहा है। चलो बेटू मेरे बच्चा, चलो हो गया। और यहाँ पे ये दर्श को उठा रहे हैं। हाँ जी आ गए, चलो चलो गाइस। इतना खूबसूरत लग रहा है ये रात को, तो कमाल लग रहा है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। मे भी शायद वीडियोस में इतना आ नहीं रहा जितना ये रियल में खूबसूरत लग रहा है। मैं जैसे देख रही हूँ ना, बहुत पीसफुल, बहुत सुंदर, वाओ अमेजिंग व्यू है सीरियसली। ये क्या लग रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खड़े हो, ये खड़े हो, ये तो ये खड़े हो। फिर से खुशी आई थोड़ी बहुत। अरे मैं तो बहुत एंटरटेनिंग हुआ। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस, और आपको डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार गेट दिखा देता हूँ, डेकोरेशन दिखाऊंगा क्या क्या हुआ, बाद में दिखाऊंगा। चलो ठीक है। सो गाइज मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ जो इन्होंने होटल वालों ने रूम डेकोरेशन की है। रूम डेकोरेशन से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मैंने इससे सुंदर सुंदर डेकोरेशंस देखी हुई हैं। ये दो वरमाला वाला सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कहीं नहीं देखा। इतने बड़े बड़े होटल्स गई हूँ, कहीं नहीं देखा जो इन्होंने ये किया है ना, आउटस्टैंडिंग सेटअप है। मज़ा आ गया देख कर, मूड फ्रेश हो गया। एंड ये तो टॉवल डेकोरेशन है, बेस्ट विशेज, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन। एक तो बेड मुझे बहुत पसंद आया इनका, और ये है इनका केक, जो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ तब करते हैं सेलिब्रेशन। एंड बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी डेकोरेशन की है। मैं आपको पूल साइड भी दिखाती हूँ, पूल साइड कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस चक्कर में होटल वालों की तरफ से लेमन दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। हाँ जी आप यहाँ रख दीजिए। थैंक यू, नो थैंक यू। सो गाइज जैसे ही इनको पता चला कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं चेक करके आपको बता दूँ। देखो कितने बदतमीज आदमी हो, मुझे पिलाओ ना। मत पीना बाबू, गला फट के हाथ में आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे बैठ के बाद मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा बाथटब, वाओ बहुत खूबसूरत है। ये फोन स्पेशली कमाल का है यार, कमाल का। सॉरी फोन नहीं, शॉवर है। आई नो, मुझे लगा फोन है, हैंड शॉवर है। बहुत एंटीक बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा बाथटब है, बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा है स्मॉल प्लंज पूल नहीं होता वैसा। इसका बाथटब ऑसम है। एंड ये देखिए, ये मैं हूँ जो भी हॉस्पिटल से आई हूँ, ठीक है जी। और ये आ गए हमारे जो हॉस्पिटल को दिखा के लाया हूँ, अभी ठीक है, पहले से बेटर है। ये है तो मैं हूँ, वरना तो मैं हूँ ही नहीं, और बाकी के इनको ठीक कराया। चलो गाइस अब रेडी होते हैं, अब जब इतनी मेहनत करी है होटल वालों ने, तो मैं भी थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाती हूँ, आप लोगों को अपनी लुक दिखाती हूँ। एंड दूसरी चीज, उसके दो वॉश मशीन जो बहुत ही प्रिटी है, एक यहाँ है। आपको ये रूम व्यू नहीं कराया था ना, ये टॉयलेट है,
एंड ये है वॉशरूम, ठीक है, शॉवर रूम। तो गाइस जैसे कि आप हमारी बाथ टब को देख रहे हो ना, ठीक उसी तरह खूबसूरत हमारी जान दिख रही है, दिखाऊं आपको? देखो सिर्फ बाथ टब के साथ इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, देखो एकदम रोज की तरह बिल्कुल गुलाब की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने डाली है लहंगा साड़ी। सो गाइस और काम देखो साड़ी का भाई एकदम खतरनाक, देखो लग कैसी रही है बताओ। हाँ ये आप बताओ, बताओ आपको कैसी लग रही हो? बहुत मस्त जोड़े पर है सच्ची। फिल्टर की तो जरूरत ही लग रही है जुदा कर दिया आपने। तो भाई ये है देखो और एक और उठा दो। ये असली के थोड़ी है? असली के, असली के नहीं है लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे। हाँ चोच अपने ऐसे करिए बाबू, ये देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको है, तो ये पकड़ा आ जाओ भाई और आ जाओ, बिठाना कितना मुश्किल हो रहा है। दोनों को आराम से सुला दो, जान डिस्टर्ब ना हो जाए। चलो भाई चलो सोने, चलो असली लेके चलते हैं सुलाने के लिए, ठीक है? तो गाइस इसको यहाँ सुला देता बेचारे को, क्योंकि इसको उठाना बहुत मुश्किल है, इसको देखना अच्छा लगता है, मैंने तो इसको देखना अच्छा लगता है। सो गाइज मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई, दर्द मेरा बिल्कुल खत्म हुआ, तब जाके मैं रेडी हुई। इन्होंने मुझे रेडी होने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, ब्लॉग भी नहीं बन पाया रियली, क्योंकि ना गाइज पता है क्यों, क्योंकि अब कौन कौन क्या क्या बनाता, हम लोगों ने रील्स बना ली ताकि रील्स सब लोग देख ले। ब्लॉग का क्या है कि ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि दर्शक बना नहीं पा रहे थे, एक बच्चे को मैंने वो पकड़ाया हुआ था, एक मेरे साथ था और फिर हस्बैंड जी मेरे साथ लगे हुए थे। सो हमने केक कटिंग सेरेमनी किया, छोटा सा केक जो होटल्स की तरफ से आया तो वो हमने केक कटिंग की। ये वरमाला उन्हीं की तरफ से थी जब हम एंटर किए, तो ये तो दिखा दिया था ना वरमाला, ये तो ये डेकोरेशन टॉवल डेकोरेशन की एंड बाथटब डेकोरेट किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा। सो फिर हम लोगों का ध्यान भी नहीं गया ब्लॉग को लेके, तो ये बीच बीच में ना क्लिप्स हम ऐड ऑन कर देंगे, केक भी सब कटेंगे वो रियली। लेकिन होटल वालों ने मेरा दिल खुश कर दिया इतनी सुंदर डेकोरेशन करके। चलो ठीक है गाइस फिर इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कल। सो गाइस लाइव अगर ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरा हाईलाइटर लगा हुआ है आपको, इसलिए चमक रहा है ना आपको बोल। तो गाइस देखो हाईलाइटर मेरे काले। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, सोने के लिए। गुड नाइट, इनको दबाए हुए दे दो भाई, बहुत तकलीफ दिया इन्होंने, तकलीफ दिया। हाँ ये भाई पूरी रात काली कर दी है, घुमा घुमा के पूरा जयपुर घुमा लिया, पता नहीं कहाँ क्या क्या हो गया, तो ब्लॉग देखो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है गाइस चलो बाय गाइस, बाय, लव यू ऑल।